हाय एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम स्ट्रगल मैनेज करते हैं और किस तरह से मैं एक छोटे से टाइम स्पैन में और 5 लाख के अकाउंट को मैं 1 CR तक लेके गया इन अ ईयर, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी जो है मेरे लिए हेल्पफुल रही। तो उसी सीरीज में ये जो है दूसरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जिस स्ट्रेटेजी ने मुझे बहुत हेल्प की, ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी है स्ट्रेंगल। ठीक है, स्ट्रेंगल को किस तरह से मैनेज करें हम, कैसे डिप्लॉय करें हम, ये एक बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हम देखेंगे स्ट्रेंगल को जो है किस तरह से मैनेज करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आप स्ट्रेंगल में फिर कभी लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको जो है पूरा इसका बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है स्ट्रेंगल को मैनेज किया जाता है ड्यूरिंग द होल वीक। इंट्राडे के लिए भी मैं आपको जो बताऊंगा इंट्राडे में जो है स्ट्रेंगल को किस तरह से मैनेज करें, लेकिन अभी देख लेते हैं हम कि ड्यूरिंग द वीक अगर हम लगाते हैं तो स्ट्रेंगल को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो जो है लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिस तरह से आपको जो है और जो है एडवांस स्ट्रेटेजी जो है मैं अब तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले जो है एक हम स्ट्रेंगल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेम्युलेटर में गए और हम क्रिएट करते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो पहले तो ये देखना है कि स्ट्रेंगल जब आप क्रिएट करें तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या स्ट्रेंगल को हम जो है ATM स्ट्राइक प्राइस से कितनी दूर पे जो है हम स्ट्राइक प्राइस चुनाव करें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो देखिए पहले इसके बारे में बात करेंगे हम, कहाँ पे जो है कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस हम जो है चूज करें जब हम स्ट्रेंगल जो है डिप्लॉय करने जा रहे हैं, राइट। तो पहले पहले तो हम जो है एक एक्सपायरी चूज कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ स्ट्रेंगल के लिए, चलिए हम ले लेते हैं 15th of July की जो है एक्सपायरी ले लेते हैं, चलिए लास्ट ले लेते हैं। और स्ट्रेंगल कब डिप्लॉय करेंगे? स्ट्रेंगल डिप्लॉय करने के लिए सबसे बेस्ट डे है, आप इसको डिप्लॉय करिए फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे हम इसको डिप्लॉय करेंगे, तो 15 जुलाई की एक्सपायरी है, तो इसके लिए जो फ्राइडे पड़ेगा वो हमारेगा पड़ेगा 9 तारीख को। ठीक है, चलिए तो 9 से और 15 तारीख के लिए हम एक स्ट्रेंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है, मोस्टली आपने देखा होगा, बहुत सारे टाइम आपने किया भी होगा कि आप एक स्ट्रेंगल क्रिएट करके जाते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट बहुत गैप अप हो गया है, गैप डाउन हो गया, एंड वी बिग लॉसेस। ठीक है, तो उससे किस तरह से बचा जाए, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें उसके 2 तरीके हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है अगर आप वीकली जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेंगल क्रिएट करने, या आप जा रहे हैं मंथली। ठीक है, तो सपोज करिए दोनों हम कैसे लेते हैं, अगर सपोज करिए आप वीकली स्ट्रेंगल क्रिएट करने जा रहे हैं तो वीकली स्ट्रेंगल के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो है स्ट्रेंगल क्रिएट करिए। ठीक है, अब वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ से देखेंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप निफ्टी के चार्ट पे जाइए, बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आज हमने इसको 15 जुलाई के लिए लग किया है ना, तो 15 जुलाई से हम देखेंगे 9 तारीख को हमारा फ्राइडे था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो जब 9 को किया है हमने तो हमको देखना पड़ेगा पिछला वीक। ठीक है, पिछले वीक में जो है मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ रहा, तो 9 से पहले का वीक रहा, चलिए हम देख लेते हैं 1 तारीख से। ओके, तो देखिएगा मार्केट का यहाँ पे लो है ऑलमोस्ट 34,600। ठीक है, चलिए 500 ले लेते हैं, चलिए 500 पे जो है मार्केट का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा लगभग 35,800, राइट। दोनों नोट कर लें, क्या आ रहा है सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है मार्केट का 34,500, रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है 35,800। इसका मतलब पिछले वीक में मार्केट ने
इतना लो बनाया और इतना हाई बनाया। तो एक तो तरीका ये है कि हम जो है 34,600 की तो पुट यहाँ पे सेल कर दें और 35,800 की यहाँ पे कॉल सेल कर दें, ठीक है। एक स्ट्रेंगल बनाने का तरीका ये होता है, राइट। दूसरा स्ट्रेंगल बनाने का तरीका क्या होता है कि हम स्ट्राइक प्राइस से, एटीएम स्ट्राइक प्राइस से, ठीक है। जैसे सपोज करिए एटीएम स्ट्राइक प्राइस उस दिन कहाँ थी, 15 जुलाई को 34,963, मतलब लगभग 35,000 पे एटीएम था उस दिन, ठीक है। तो एटीएम से आप 200 200 पॉइंट्स अप एंड डाउन, ठीक है, मतलब 34,800 की पुट और 35,200 की कॉल, ठीक है। ये दोनों हम सेल करेंगे और इसको कैसे हेज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये दोनों हम सेल कर देंगे, एक ये तरीका है, ठीक है। लेकिन उससे बढ़िया तरीका कौन सा है, उससे बढ़िया तरीका है कि आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो है स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनको सेल करिए, ठीक है। वो सबसे बढ़िया तरीका है, वो काफ़ी सेफ रहता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का देख लेते हैं कहाँ आया था, 34,500 की तो हमारी थी पुट, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में जाते हैं और 34,500 की पुट, ठीक है, ये रही कितनी आ रही है, 178। ओके, इसको मैं 10 लॉट यहाँ पे सेल कर दूंगा, कितने बेचूंगा, 10 लॉट पे बना रहा हूँ मैं, दिखा कर रहा हूँ। चलिए 10 लॉट यहाँ पे मैंने इसको सेल कर दिया, ओके। और ऊपर हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, 35,800, ठीक है। इस सबसे सेफेस्ट जो है स्ट्रेटजी है, ठीक है, एक मैंने ये सेल कर दिया, राइट। 10 10 लॉट पे क्रिएट किया है मैंने, ओके। अब देखिए इसमें मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है, 70,000, ठीक है। और इसका मुझे जो ब्रेक इवन कहाँ मिला है, 34,200 पे डाउन साइड और 36,081 पे, ऑलमोस्ट 36,100 इसको ले लो, तो ये हो गया हमारा अपसाइड का ब्रेक इवन, ठीक है। एक ठीक ठाक रेंज हमको मिल गई डाउन साइड से भी और अपसाइड से भी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको क्या हम नेक पे स्ट्रेडल क्रिएट करते हैं, नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी, ठीक है। हमेशा आप अपने स्ट्रेडल को हेज करके जाइएगा। कैसे हेज करेंगे, उसके दो बेनिफिट है आपको। एक बेनिफिट क्या है, एक तो आपको मार्जिन बेनिफिट इसमें अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। आपको जो काम आपका जो है 5 लाख में हो जाएगा, ठीक है, अगर आप उसको हेज नहीं करेंगे तो यही आपका मार्जिन आपको चाहिएगा लगभग 20 लाख रुपये, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 15 लाख रुपये का आपको इसमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करें, आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको हेज करना है तो एटलीस्ट जो है 10 रुपये की कॉस्ट आप पे कर दो इसके लिए, ठीक है। 10 रुपये की कॉस्ट हम ऊपर और नीचे दोनों साइड जो है ये पे कर देंगे, राइट। चलिए पहले ऑप्शन चेन देखते हैं कहाँ पे है, 10 रुपये की कोई भी कॉल इनपुट हम जो है इसके रिगार्डिंग बाय करेंगे, कहाँ पे है 10 रुपये की कॉल पुट, कहाँ पे है, ये रही 37,700 पे हमको 10 रुपये की कॉल मिल गई है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 37,400 पे भी हमको लगभग 12 रुपये की मिल रही है, तो ठीक है ये ले लेते हैं, ठीक है, ये बाय कर लेते हैं। अब नीचे देखते हैं पुट, पुट हमको कहाँ मिलेगी, इतने पुट हमको मिल गई, ठीक है, 32,000 पे हमको पुट मिल रही है, ओके। तो ये हम पुट बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब हो गया हमारा काम, इसमें क्या है कि जो है हमने हेज कर दिया इसको। अब क्या है कि कोई मतलब ये नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया, कुछ हो गया तो ओवरनाइट हमारा में सो भी संगे, हमें पता है कि जो है कुछ ज़्यादा कुछ हो भी जाएगा मैक्सिमम, तो जो है हम कितना इसमें मैक्सिमम लॉस लेने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बट फिर भी जो है इसके दो बेनिफिट आपको रहेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको लैब बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ना, सिंगल डे आपको जो है 28,000 का प्रॉफिट हो रहा है ओनली नेक्स्ट, देखा आपने स्ट्रेंगल का बेनिफिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डे देखें मार्केट कहाँ पे है, नेक्स्ट डे मार्केट 35,300 पे आ गया है, ठीक है। चलिए अगले दिन देखते हैं क्या होता है, मार्केट कहाँ पे, 35,400 पे। हमारा ब्रेक इवन कहाँ था, ऊपर अपर ब्रेक इवन, हमारा अपर ब्रेक इवन है 36,000 पे, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो गया है, 42,000, ठीक है, 2 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए अगले दिन देखते हैं मार्केट कहाँ पे है, मार्केट 35,500 पे, हमारा प्रॉफिट कहाँ पे है, प्रॉफिट भी हमारा लगभग
वहीं पे 42,000। चलिए अगले दिन देख लेते हैं क्या होता है। और 14 तारीख हो गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हम एक्सपायरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब जब आप यहाँ पहुंच जाओ, एक सबसे अच्छा तरीका ये है, या तो आप जब को, क्योंकि आपको, अब देखिए इसमें, ठीक है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इसमें, 63,000, और आपको कितना हो गया प्रॉफिट इसमें, 41,000। तो ऑलमोस्ट आपने जो है 80% अपने प्रॉफिट आपने बुक कर चुके हैं आप इसमें, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप 80% प्रॉफिट पे आप निकल जाए अपनी स्ट्रेटेजी से, ठीक है। आपको 4 दिन में 41,000 आपका जो मतलब ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम प्रॉफिट था उसका 80% आपको आ चुका है, ठीक है। लेकिन सपोज करें आप इसको, मैं देखता हूँ कि जो है अगर हम इसको नेक्स्ट डे जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट में कहाँ हुआ है, 35,700 मार्केट पहुंच चुका है, और हमारा प्रॉफिट कितना है, 47,000, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन भी जो है हमारा इतना प्रॉफिट है, राइट। तो ये एक बेस्ट तरीका है जब भी आप स्ट्रेंगल क्रिएट करें, राइट। अब जो है बात आती है, क्योंकि अब इस जो स्ट्रेटेजी मैंने क्रिएट की है इसमें मुझे लाइक फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एडजस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मार्केट जो है पूरे वीक मेरी रेंज में रहा, ठीक है। तो अब सपोज करिए आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती तो हम क्या करते, ठीक है। अब देखिए, सपोज करिए मार्केट आपका जो है आपके अपर ब्रेक इवन को तोड़ दिया मार्केट ने, राइट। अपर ब्रेक इवन कौन सा है हमारा, 36,000, ठीक है। जब भी मार्केट आपका अपर ब्रेक इवन जो है ब्रेक करे, ठीक है, तो आप उसको कैसे मैनेज करें हैं? सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा जो है अपनी या तो दोनों का प्राइस मैच करा दो, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपकी जो कॉल है, जो आपने 35,800 ही कॉल जो है सपोज करिए 100 रुपये पे सेल की थी, ठीक है, और अब इसकी रेट जो है, क्योंकि ऊपर का रेंज कितना है, 36,000 पहुंच गया मार्केट, ठीक है, इसका भाव कितना हो जाएगा, लगभग 250 रुपये, 250 रुपीज़ इसका जो है रेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें इसको, इसको फिर सबसे अच्छा तरीका है, अगर मार्केट आपका अपर ब्रेक इवन तोड़ देता है तो इसको आप क्या बना दीजिए, स्ट्रेडल। आप समझे मेरी बात, स्ट्रेडल कैसे बनाएंगे, जब मार्केट आपका 36,000 पहुंच जाए तो आप जो है इस पुट को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, और इस पुट को स्क्वायर ऑफ करके क्या करेंगे हम, 35,000 सॉरी 36,000 की हम जो है पुट सेल कर देंगे। भैया क्या बन गई है, स्ट्रेडल, ठीक है, स्ट्रेडल बन गई है। लेकिन रिस्क तो यहाँ पे भी है, लेकिन इसको हमको स्ट्रेडल पे नहीं छोड़ना है। अब हम इसको क्या बनाएंगे, स्ट्रेडल के साथ में इसको बना दो अब आयरन फ्लाई, ठीक है। आयरन फ्लाई कैसे बनाएंगे, आयरन फ्लाई बनाने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था मेरी पिछली वीडियो में, हम जो है इसके दोनों ऊपर से और नीचे से, ठीक है, 300 300 पॉइंट अप एंड डाउन, ठीक है, कॉल और पुट दोनों बाय कर लेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए मार्केट कहाँ पे है, 36,000 पे, तो 36,300 की कॉल, ओके, और 35,700 की पुट, ये दोनों बाय कर लेंगे। जब ये दोनों बाय हम कर लेंगे तो अभी क्या बन गई, आयरन फ्लाई। जब आयरन फ्लाई आपकी ये बन गई तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, इससे सबसे अच्छा बेनिफिट होगा कि अब आपका जो रिस्क है वो डिफाइंड है। अब मार्केट कहीं भी जाए आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस इतना होने वाला है इस स्ट्रेटेजी में। आप समझे मेरी बात को, तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। इसके बाद में अगला वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें किस तरह से हम स्ट्रेडल को सॉरी स्ट्रेंगल को जो है इंट्राडे में मैनेज करें, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए चैनल के साथ में। तो जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेंगल के इंट्राडे एडजस्टमेंट की रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।